हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित। वेलकम टू माय चैनल सुमित सरस हर्षित एकेडमी। आज हम लोग पंच एंड प्लेट का थर्ड नंबर का लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 3 लिया है, जो यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है फॉर 3 मार्क्स। जैसा कि आपको पता है कि इसका मैंने पूरा थियरी लेक्चर नंबर 1 में कवर किया है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 जरूर स्टडी कीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। आइए इसको हम लोग पढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ हम लोग गिवन डेटा इसका लिखते जाएंगे, जिससे कि जब हम फॉर्मूलास में वैल्यू पुट करनी होगी तो आपको बहुत ही आसान रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ होल दैट कैन बी पंच्ड इन अ 12 mm थिक। फिर से देखते हैं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ होल। साइज ऑफ अ होल यानी पंचर प्लेट के टॉपिक में साइज ऑफ अ होल यानी उसका डायमीटर, यानी कि आपको डायमीटर फाइंड करने को बोला है, राइट? डिटरमाइन मींस फाइंड। दैट कैन बी पंच्ड इन अ 12 mm थिक प्लेट, यानी थिकनेस जो है, जो हम हमेशा टी लेते हैं, वो थिकनेस आपको इसमें 12 mm दिया है। हैविंग एन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 310 N/mm², राइट? यानी कि प्लेट के बारे में बात किया है, प्लेट में जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यानी आपको स्ट्रेस लेना है, प्लेट का स्ट्रेंथ यानी प्लेट का स्ट्रेस कितना है, 310। तो मैं यहां से लिखूंगा दैट टाउ इक्वल्स टू 310 N/mm². उसके बाद दिया है एलोएबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस यानी ये वाला पंच का स्ट्रेस, विच इज जिसका सिंबल है सिग्मा। सिग्मा आपको दिया है 900 N/mm². ठीक है, इतना डेटा दिया है और आपको डायमीटर यानी कि साइज ऑफ अ होल फाइंड करने को बोला है। तो बहुत ही सिंपल सम, इसके जैसा ही सम लेक्चर नंबर 1 में भी है, तो वो भी एक वीडियो अच्छे से देखना, उसके बाद ये वीडियो भी देखना, तो आपका इस टाइप का सम जब भी यूनिवर्सिटी में आएगा आप अच्छे से सॉल्व कर सकोगे, राइट? इंपॉर्टेंट सम है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने समझाया था लेक्चर नंबर 1 में भी, हम सॉल्व इसी तरह से करेंगे, राइट? यानी बीच में पार्टीशन रखेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं पंच, यहां पे लिखता हूं प्लेट, बीच में एक हल्की सी लाइन। पंच का फॉर्मूला पहला जो दिया है वही लिखना है, सिग्मा इक्वल्स टू पी अपॉन ए। उसके बाद ए को हम इक्वल के वो साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पी क्या बनेगा, या तो एक ऐसा लिखता हूं सिग्मा इनटू ए विल बी इक्वल टू पी, राइट? यानी कि पी विल बी इक्वल टू, अभी पी यहां लिखो या यहां लिखो सेम ही रहेगा, सिग्मा इनटू ए, सिग्मा की वैल्यू दी है 900, एरिया का वैल्यू नहीं पता है। आपको स्टेप समझ आया कैसे किया है, P इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए है, तो सिग्मा की वैल्यू मैंने एक काम करो फिर से, P इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए, ये दोनों तो सेम है, यहां लिखो ठीक है। बच्चे क्या बोलते सर, इसको यहां लेके गए इसको वहां लेके गए तो माइनस माइनस क्यों नहीं हुआ? अगर आपको वैसा समझना है कि भाई ये पी यहां जाएगा तो नेगेटिव होगा, सिग्मा वहां जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो भी आप समझ सकते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ऐसा कैसा आपको मिलेगा,
ऐसा भी आप समझ सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू में डाल रहा हूं 900, एरिया। अब एरिया की बात करें तो एरिया के दो फॉर्मूला हमारे पास है, तो इसमें से कौन सा यूज होगा? तो आप देखिए कि पंच राउंड है या स्क्वायर है, क्वेश्चन में क्या दिया है? कहीं लिखा है राउंड पंच? कहीं भी नहीं लिखा है। स्क्वायर पंच भी नहीं लिखा है। तो पंच कौन सा मानना है हमें? तो उसके लिए आपको गिवन डेटा को थोड़ा स्टडी करना है, डायमीटर फाइंड करने को बोला है, यानी कि आपका होल राउंड है, ठीक है, यानी कि राउंड पंच मान के आपको चलना है। तो इसमें एरिया का फॉर्मूला है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका रिजल्ट नंबर 1, ये वाला, राइट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। प्लेट की बात करें तो फर्स्ट फॉर्मूला प्लेट का है टाउ इक्वल्स टू एफ अपॉन शियर एरिया। इसमें भी एरिया को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ इनटू एस विल बी इक्वल टू एफ। अब ये इधर उधर, यानी एफ यहां लिखो वो यहां लिखो, सेम बात है। टाउ की वैल्यू दी है 310 गिवन, सो 310 इनटू शियर एरिया। अब इसमें राउंड पंच माना है तो शियर एरिया आपका पाई डीटी आएगा। अब इसमें डी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, पर थिकनेस की वैल्यू हमें दी हुई है 12 mm, यानी हम इसमें और आगे जाएंगे 310 इंटू पाए इंटू डी इंटू 12, ये आपका दूसरा इक्वेशन। अब आप देखो इसको क्यों इस तरह से सॉल्व किया है, क्योंकि जब भी आपको डायमीटर फाइंड करना होता है पंच का तो उसमें आपको ये स्टेप आना चाहिए, यानी P इक्वल्स टू F आना चाहिए। तो अभी इसमें ऐसा नहीं कि भाई इक्वल नहीं दिख रहे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। हम अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें P की वैल्यू इसमें डालेंगे और F की वैल्यू इसमें डालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला P इक्वल्स टू F। अब P की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी हम यहां लिख देंगे, तो क्या आएगा 900 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, और एफ का पूरा वैल्यू है वो हम यहां डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 310 इंटू पाई इंटू डी इंटू 12, समझ आया? फिर से बताता हूं, जब भी डायमीटर फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला आना ही चाहिए और ये फॉर्मेट से ही आपको सॉल्व करना है। यही सेम फॉर्मेट एग्जाम्पल नंबर लेक्चर नंबर 1 में भी आप देखना इसी टॉपिक का, तो मैंने उसमें भी सेम फॉर्मेट से किया। अभी जो सेम वैल्यूज है उसको कट कर सकते हैं, पाई पाई को कैंसिल कर दिया, डायमीटर सिंगल है, इसमें दो डायमीटर्स है तो एक को मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपको डायमीटर फाइंड करना है तो ये जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको वो साइड भेजेंगे, तो 4d के डिवाइड में है, यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये 900d के मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नीचे जाएगा, यानी कि इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, d इक्वल्स टू 310 इंटू 12, 4 भी आ गया मल्टीप्लिकेशन में, 900 नीचे चला गया, ठीक है, ये स्टेप होगा और इसका आंसर आएगा 51.94 mm। अब इसमें आप ये आंसर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ का मतलब पॉइंट आप घटा सकते हैं तो भी ये बनेगा D equals to 52 mm।
राइट, यानी कि ये आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एग्जाम में दोनों में से कौन सा लिखेंगे, दोनों लिख के आ जाओ और कर दो, यहां भी ऐसा लिख दो आंसर, यहां भी आंसर लिख दो, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट से हमने डायमीटर फाइंड किया है, और डायमीटर के सम यूनिवर्सिटी में ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। आशा रखता हूँ आपको वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं, वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, और भी मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।